आज हम 17 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है? ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, ईडी की बात बहुत दिनों चल रही थी, ईडी पे क्यूज़ बनाए हुए हैं, नौ कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर क्यूज़ बनाए हुए, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था, चीता हेलीकॉप्टर के ऊपर क्यूज़ बनाए हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर बनाई है, एक आर्टिकल लिखा है शशि थरूर ने, तो उसके भी ऊपर क्यूज बनाए, तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर क्यूज बनाए, ये हमें इम्पोर्टेंट लगे थे। सेकेंड कहता है व्हाट वॉज द ओल्ड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव हैबिट ऑफ डिवाइड एंड रूल, ठीक है? फूट डाल राज करो की पुरानी औपनिवेशिक प्रशासनिक आदत क्या थी? इसकी और रिक्रूटमेंट इन टू द आर्म फोर्सेज, बी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, केयरलेस एंथ्रोपोलॉजी, डी प्रमोटिंग पॉलिटिकल डिवीजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो क्या आंसर हो सकता है? सशस्त्र बलों में भर्ती में कमी, स्वतंत्र के बाद भेदभावपूर्ण नीतियाँ, सी लापरवाही, निर्विज्ञान, डी विभिन्न समूहों के बीच राजनीति विभाजन को बढ़ावा देना, ठीक है? तो इसका आंसर ये था कि क्या था, पॉलिटिकल प्रमोटिंग पॉलिटिकल डिवीजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो फूट डालो नीति का क्या नियम था कि लोगों के बीच में पॉलिटिकली डिवाइड करना लोगों को, ठीक है? तो ये 1857 के बाद में ये ज़्यादा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीज़न बनने लग गया था, ठीक है? ये सब ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। तीसरा क्वेश्चन कहता है विच इंडियन आर्म फोर्स यूजेज द चीता हेलीकॉप्टर फॉर रिकनेसेंस सर्विलियंस एंड कैजुअलिटीज इवैक्यूएशन। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल निगरानी और हताहतों की निकासी के लिए चीता हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और सेंट्रल रिजर्व फोर्स। कौन सी करती है देखते हैं, तो इंडियन आर्मी करती है, इंडियन आर्मी करती है चीता हेलीकॉप्टर का उपयोग। किस लिए करती है? निगरानी करने के लिए, हताहतों की जो मतलब जो डिजास्टर हो जाते हैं उसमें ये काम आता है, ठीक है? सर्विलेंस में काम आता है, तो इन सब का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका वेट बहुत लाइट होता है और ये हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सकते हैं। विच इंडियन कंपनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीता हेलीकॉप्टर इन इंडिया? कौन सी कंपनी चीता हेलीकॉप्टर बनाए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसने बनाया है चीता हेलीकॉप्टर? तो चीता हेलीकॉप्टर बनाया गया है इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है ना, HAL ने बनाया है। पाँचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द चीता हेलीकॉप्टर इन इंडियन आर्म फोर्स? क्या रोल है? कॉम्बेटेड ट्रांसपोर्ट है कि रिकनेसेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, ठीक है? कौन सा इसका मेन पॉइंट है, मेन काम है इसका? तो इसका काम है रिकनेस, मतलब कि क्या कहते हैं हिंदी में से, सैनिक प्रशिक्षण में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है? सर्विलियंस में होता है, इंटेलिजेंस में होता है। क्वेश्चन छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछा गया है। इट कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट कैन ओनली बी मूव्ड बाय द अपोजिशन पार्टी, इट कैन ओनली बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, इट कैन ओनली मूव्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मिनिस्टर, ठीक है? अब विश्वास पत्र किसके लिए होता है, तो देखते हैं इसका आंसर। इट कैन बी मूव बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी इसको मूव कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसके अगेंस्ट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कर सकता है और पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कर सकता है। इट डज, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नीड टू सपोर्ट अ नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड? कितने परसेंट चाहिए होते हैं, चलिए देखते हैं। 55% चाहिए होते हैं। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड टू सपोर्ट एटलीस्ट 55% ऑफ लोकल मेंबर्स ऑफ
लोक सभा टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है, टोटल मेंबर ऑफ लोक सभा टू बी एक्सेप्टेड। आठवां क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास इन लोकसभा, अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, अ जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड, अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। तो देखना हमें क्या आंसर इसका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन, जब लोकसभा में बिल पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। द प्राइम मिनिस्टर मे चूज टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर टू रिजॉल्व द लोकसभा एंड कॉल फॉर फर्दर सिलेक्शन, और प्राइम मिनिस्टर ये भी कह सकता है प्रेसिडेंट को कि या तो लोकसभा दोबारा इलेक्शन किया जाए या लोकसभा को भंग कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट मे इनवाइट अनदर पर्सन टू फॉर्म, और प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि किसी नए दूसरे पार्टी के बंदे को बुला के गवर्नमेंट बनवा सकती है, लेकिन उसे अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी। कैन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन बी मूव्ड अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, यस बट ओनली इन सम स्टेट, नो इट कैन ओनली बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, सी इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एनी चीफ मिनिस्टर, यस इट बट इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ टू थर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखते हैं, यस बट ओनली इन सम स्टेट, तो ये ऑप्शन ठीक है, अ कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर इन सम स्टेट बट नॉट इन ऑल स्टेट, द प्रोसीजर ऑफ मूविंग और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसीजर होता है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। अब ईडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय क्या है, अ लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी डैट इन्फोर्स इकोनॉमिक लॉज एंड फाइट्स फाइनेंशियल क्राइम्स इन इंडिया, सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया, डी एन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिजास्टर रिलीफ इन इंडिया। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, भारत में एक कानून सहायता संगठन है, एक कानून प्रवर्तन एजेंसी जो आर्थिक कानूनों को लागू करती है और भारत में वित्तीय अपराधों से लड़ती है, सी भारत में परिवर्तन नियमन के लिए जिम्मेदार एजेंसी, भारत में आपदा राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक एजेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी डैट इन्फोर्स इकोनॉमिक लॉज एंड फाइट फाइनेंशियल क्राइम, जो फाइनेंशियल क्राइम से उसके अगेंस्ट लड़ती है। ठीक है, और क्या इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट रेवेन्यू, ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू का पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ठीक है, दसवां क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्राइमरी फंक्शन क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस, फाइटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, बी प्रोवाइडिंग डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, तीसरा एनवायरमेंटल रेगुलेशन कंजर्वेशन, डी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन। दसवां क्वेश्चन कहता है प्रवर्तन निदेशालय की प्राथमिक कार्य क्या है, आर्थिक कानूनों का प्रवर्तन, वित्तीय अपराधों से लड़ना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना, बी आपदा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करना, सी पर्यावरण विनियमन और संरक्षण, डी समाज कल्याण कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, क्या कार्य है इसका, प्रथम तो इन्फोर्समेंट का कार्य यह है कि फाइटिंग करना फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है नीचे भी। क्वेश्चन 11 कहता है व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, अ लॉ दैट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सेल फोन इन पब्लिक प्लेस, बी अ लॉ दैट रेगुलेट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सी अ लॉ दैट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, अ लॉ दैट क्रिमिनलाइज मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड्स फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, एक कानून जो सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन के उपयोग पर रोक लगाता है, बी एक कानून जो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है, सी एक कानून जो बाल श्रम के उपयोग पर रोक लगाता है, डी एक कानून जो मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध मानता है, मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करता है। PMLA क्या है, तो देखिए बहुत ईजी था, PMLA क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनके खिलाफ कानून बनाता है। ठीक है, हाउ कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय किसकी जांच कर सकता है, ए ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर, बी ओनली इंडिविजुअल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, सी एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ फाइनेंशियल क्राइम और वायलेटिंग
इकोनॉमिक लॉ डी ओनली इंडिविजुअल विद अ नेट वर्थ अबाउट अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, केवल सरकारी अधिकारी कर सकता है, बी केवल एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति का, सी किसी को भी वित्तीय अपराध करने या आर्थिक कानूनों का उल्लंघन करने का संदेह, डी केवल एक निश्चित राशि से अधिक निवल मूल्य वाले व्यक्ति का। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो वो किसी का भी कर सकता है, एनीवन जो भी सस्पेक्टेड है फाइनेंसिंग के लिए रिलेटेड क्राइम किया हुआ है उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। 13. व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नो कंप्लायंस विद एन ईडी इन्वेस्टिगेशन। ईडी की जांच का पालन ना करने पर क्या जुर्माना है, अ वार्निंग लेटर, अ फाइन, इम्प्रिजनमेंट, कम्युनिटी सर्विस, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो यदि आप ईडी की बात नहीं मानेंगे तो इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, एज पर द पीएमएल एक्ट, पीएमएल एक्ट में सब मेंशन है।